हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कुटोर। मैं चेतना पटेल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रंची मैगी पकोड़े। बारिश आते ही हमें मैगी और पकोड़े दोनों की याद आती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आज हम बनाएंगे मैगी के पकोड़े। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैगी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी गर्म करेंगे। यूजुअली हम मैगी बनाते समय दो कप पानी डालते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कप पानी लिया है क्योंकि मैगी को मुझे पूरी तरह पकाना नहीं है। मैगी नूडल्स को ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ दो या तीन मिनट पकाएंगे। नूडल्स हमारे रेडी है, एक बॉल में निकाल देते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा होता है तब तक बेसन का बैटर बना लेते हैं। बेसन का बैटर बनाने के लिए आधा कप बेसन, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी है, साइड में कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पका हुआ मैगी, एक बारीक कटा हुआ हरा प्याज, आधा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप ग्रेटेड चीज, एक टीस्पून चाट मसाला, एक मैगी का सेशे, दो चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग हमारा रेडी है, हाथ को पानी से थोड़ा गीला करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। प्लेट में रख देते हैं, ऐसे ही सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। बॉल्स हमारे रेडी है। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कच्ची मैगी को क्रश करके लिया है, इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। बॉल्स को बैटर में डीप करके क्रश किए हुए मैगी में कोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे बॉल्स रेडी कर देंगे। एक साइड तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। दूसरी बार ऐसे हाथ से फिनिशिंग देके डीप फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और सारे ऐसे ही पकोड़े तैयार कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आए तब तक फ्राई करेंगे। एक प्लेट में निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और ये बहुत ही क्रंची बनते हैं। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।